जब सरकार के पास नोट प्रिंटिंग मशीन है तो वो नोट क्यों नहीं छापती? क्यों वो नोट छापकर गरीबों में नहीं बांटती? क्यों वो इस देश से गरीबी और इम्प्लॉयमेंट को खत्म नहीं करती? हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अर्पित चावला एंड आज हम बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में कि जब सरकार के पास में नोट छापने की मशीन है तो वो नोट क्यों नहीं छापती। आई एम श्योर ये सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा, तो आइए इस छोटी सी वीडियो में जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले मैं बता दूं कि करेंसी क्या है। करेंसी सिर्फ एक एक्सचेंज का काम करती है। पहले जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हमें गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करने होते थे। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत कैसी, हमें गुड्स खरीदने के लिए उस इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसके पास वो गुड्स हों जो हमें चाहिए और हमारे पास वो गुड्स हों जो उसे चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास में आटा है और हमें चावल चाहिए तो हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ता था जिसके पास चावल हो ताकि हम उसे एक्सचेंज कर सके और उसे आटा चाहिए हो ताकि हम उसे अपना आटा दे सके। इसी चीज को बार्टर सिस्टम कहते थे हम। मतलब कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, हमें सामान के बदले में ही सामान लेना या देना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करेंसी बनी। करेंसी बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। तो इससे इसका क्या मतलब हुआ कि करेंसी की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितना उस गुड्स का प्राइस है। आप ये छोटा सा फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इज इक्वल टू सम ऑफ करेंसी सर्कुलेटेड इन ए कंट्री। मींस उतनी ही करेंसी होनी चाहिए जितनी उस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। आइए जानते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से ये हमारा फॉर्मूला। सपोज दाल का प्राइस 20 रुपीज के जी है एंड दो लोग हैं जिसके पास 10 रुपीज है, तो वो लोग 10 रुपीज में दाल खरीद लेंगे। लेकिन सपोज अब हमने नोट छाप दिए और लोगों में हमने नोट बांट दिए, अब लोगों के पास में ज्यादा करेंसी है, मतलब ज्यादा पैसा है, लेकिन प्रोडक्शन दाल का नहीं हुआ, दाल तो उतनी ही रहेगी जितनी दाल पहले थी, अब करेंसी बढ़ गई। इससे क्या होगा, दाल वाला दाल का प्राइस बढ़ा देगा क्योंकि उसकी डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई मींस प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। अब लोगों के पास में सपोज 100 रुपए आ गए तो वो दाल वाला भी उसका प्राइस 100 रुपए कर देगा। इसी को आसान लैंग्वेज में इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जब किसी चीज की डिमांड हो और उसकी सप्लाई कम हो तो वो महंगी हो जाती है। ठीक इसी तरह जब देश में करेंसी बढ़ा दी जाएगी एंड गुड्स का प्रोडक्शन उतना ही रहेगा तो उन गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो गुड्स महंगे हो जाएंगे, जिससे उस करेंसी बांटने का ना तो कोई फायदा होगा बल्कि इससे हमारे देश की वैल्यू और देशों के मुकाबले कम हो जाएगी। तो इसी चीज को लेकर हमारी सरकार हमारे देश में ऐसे काम नहीं करती। ऐसी चीज को ट्राई करने के लिए पास्ट में कुछ देशों ने ये चीज अपनाई है, जिसका एक फ्रेश एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपने देश में गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सब खत्म करने के लिए नोट छाप दिए। उसने इतने नोट छाप दिए और बिना प्रोडक्शन के, जिससे क्या हुआ, उस कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। अब लोगों को छोटी से छोटी चीज खरीदनी पड़ती थी। सपोज 1 किलो चावल खरीदने हैं तो उन्हें बोरी में भर के पैसा लेके जाना पड़ता था। इतनी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूट हो गई थी। तो ये नोट छापना एक ऐसी चीज है जो कोई भी कंट्री अपनाना नहीं चाहेगी। सो दिस इज द रियल रीजन व्हाई गवर्नमेंट डजंट प्रिंट नोट्स ऑन एड हॉक बेसिस। और इसके साथ में देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स लाइक जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, ग्रोथ रेट। सो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखकर आरबीआई नोट छापती है और एड हॉक बेसिस पे नोट नहीं। सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो ये नॉलेज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू। थैंक यू सो मच।